गाइस हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कंप्लीट एचटीएमएल फाइल। अगर आप लोग बिल्कुल जीरो हो, बिल्कुल नल हो, नील बटे सन्नाटा हो, आप लोग को यही नहीं पता कि कोड एडिटर कौन से यूज करना है, कोड कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सा कोड किस लिए लिखा जाता है, आपने सिर्फ आज तक कॉपी पेस्ट ही की है। आई नो थोड़ा सा इंसर्टिंग फील हो रहा होगा, बट डोंट वरी, ये अगर तुम वीडियो देखने वाले हो सर बिलीव मी, स्टार्टिंग से इसको एंड तक देखना, लास्ट तक तुम्हें ये पता चल जाती है कि कोड लिखना कहाँ है, किस तरीके से लिखना है और कौन सा कोड किस लिए यूज होता है। ये छोटा सा पार्ट है इस वीडियो का, जो कि जस्ट इंट्रोडक्शन की तरह मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। मेन जो चीजें होती हैं वो तुम्हें इसके अंदर क्लियर हो जाएंगी। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो, वन से स्टार्ट नहीं करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। सो अब जस्ट बातें बहुत हो चुकी हैं, जस्ट बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो अपने पीसी की स्क्रीन पर आ चुके हैं। इसकी जो रिक्वायरमेंट, तुम्हें लैंग्वेज कैसे सीख सकते हो, देखो सबसे पहले तुम्हारे पास एक पीसी या फिर एक लैपटॉप होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी तुम अपने फोन के अंदर कोड एडिटर, टेक्स्ट एडिटर यूज करके ऐसी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो। कुछ जो एंड्रॉइड की मतलब कोड एडिटर है उनका लिंक जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और आज की जो थंबनेल तुम अपनी स्क्रीन पर वॉलपेपर देख सकते हो, उसके अंदर मैं तुम्हें ये जो टैग्स लिखे हैं सर, इनके अंदर बताने वाला हूँ कि ये किस तरीके से क्या यूज होते हैं और कौन कौन से यूज कहाँ पर करने हैं, ठीक है। तो जल्द से एक पीडीएफ फाइल ओपन कर लेते हैं। ये पीडीएफ फाइल आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी, कहाँ से डाउनलोड होगी सर डोंट वरी, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा यार, सो डोंट वरी। देखो यहाँ पर मैंने एक ये जो हाईलाइटर है वो स्टार्ट कर लिया। यहाँ पर अगर तुम लोग किसी एग्जाम की तैयारी करो, लाइक ए लेवल, ऑल लेवल, बी लेवल, एस लेवल या बेसिक एडवांस कुछ भी कर रहे हो सीरियसली, तो जस्ट यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है कि ये जो लैंग्वेज है उसका फर्स्ट वर्जन कब आया था और जो अभी हम यूज कर रहे हैं वो जो एचटीएमएल है वो कब कौन सी चीज यूज कर रहे हैं। जो हम प्रेजेंट में एचटीएमएल यूज कर रहे हैं वो एचटीएमएल 5। लैंग्वेजेस के अंदर भी अपडेट आते हैं, जैसे कि तुम्हारा एंड्रॉइड फोन है, एंड्रॉइड फोन के अंदर पहले 5 था, 6 था, 7 था, अब जो 13, 14 तक चले गए हैं। तो इसी तरीके से जो है हमारे 2016 में आई थी एचटीएमएल 5, वही हम जो है प्रेजेंट टाइम तक यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म है वह हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज एज ए मार्कअप सिस्टम, ठीक है, टू कंपोज एलिमेंट विच रिप्रेजेंट स्पेसिफिक कंटेंट। Markup means that the HTML you declare what is represented to a viewer, not is represented, not how is it represented. देखो HTML का काम यह है कि इसको कुछ तुमने कहा है कि भाई ये चीज लेके जाओ तो जस्ट ये वहां पर लेके जाकर रख देगी, इसको ये नहीं पता है कहाँ पर रखना है, जस्ट रखना है वो इसका काम है, इसको कहाँ रखना है, किस तरीके से रखना है वो इसका काम नहीं है। तुमने कहा है कि जस्ट हेलो वर्ल्ड लो और इसको वहां पर दिखाओ तो ये दिखा देगी, इसको फर्क नहीं पड़ता, इधर भी फेंक सकती है, इधर फेंक सकती है, तो जस्ट का काम है दिखाना। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको सुंदर करके दिखाए, मतलब एचटीएमएल तुम्हारी फिजिकल बॉडी है और अब तुम्हें जस्ट बॉडी तो तुम्हारी नॉर्मल दिख रही है। सपोज कर लो एचटीएमएल जो है एक लड़की है और जो सीएसएस है वो उसकी ब्यूटी किट है, ठीक है। तो वो जो उसकी सुंदरता है वो है सीएसएस, ठीक है। इसका नाम है, कंप्लीट फुल फॉर्म नेम है इसकी, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। देखो एचटीएमएल का एक हेलो वर्ड है जिसको हम रख दिया, अब इसको स्टाइलिंग करनी है, उसका कलर चेंज करना, उसके नीचे अंडरलाइन चाहिए, उसके नीचे बॉर्डर चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, वो हाईलाइट होता रहे, चमकता रहे, इधर उधर घूमता रहे, तो वो सारी चीजें जो है हम सीएसएस के द्वारा करेंगे। बट जो आज का मेन टॉपिक है वो है हमारी एचटीएमएल 5, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि एचटीएमएल जो है ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि ना तो ये कोई थिंकिंग करती है। अगर मैंने इसको कहा है कि 4+4 लिखो तो ये जस्ट एज इट इज 4+4 लिख देगी, वहां पर कोई उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगी, मुझे रिजल्ट चाहिए तब वो भी नहीं दे पाएगी। तो इसलिए जो मेनली होते हैं हमारे HTML 5 वो मार्कअप लैंग्वेज होते हैं, जो कि जस्ट कंटेंट दिया जाता है इसको एज इट इज, कोई ये वेब पेज पर पेस्ट कर देती है, ठीक है। और हमारा एक जो एलिमेंट नेम होता है, देखो एक यूजुअली एलिमेंट नेम कैसे होता है कि यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट नेम आता है और फिर वो जो है उसका लास्ट एलिमेंट आता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है। अब एलिमेंट है क्या और किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, वो अभी जो है ना मैं थोड़ी सी थ्योरी समझा देता हूँ। मेन मेन जो चीजें हैं वो समझाएंगे, मोर देन मुझे पता है कि प्रैक्टिकल ज्यादा एकदम इफेक्टिव पड़ेगा, तुम्हें समझ आएगी कौन सी चीजें किस तरीके से यूज होती है। तो एलिमेंट का नेम जो है किस तरीके से लिखते हैं, टैग इसको कैसे लिखते हैं, ये जो ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है यहाँ पर, ठीक है। एक सेकंड, मैं यहाँ पे इसको रेज कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे इस टाइप से लिखते हैं एलिमेंट का फर्स्ट नेम, फिर जो तुम्हें कंटेंट प्रिंट कराना है और फिर उसका लास्ट टैग, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इस टाइप के भी एलिमेंट होते हैं एचटीएमएल के अंदर जो कि वॉइड होते हैं। देखो एक यहाँ पे हमने टैग दिया है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का टैग है और फिर लास्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनका सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है, कोई एंडिंग पॉइंट होता ही नहीं। जैसे कि यहाँ पर तुम लोग ये देख सकते हो, यहाँ मैं इसको क्लिक करता हूँ, मार्क कर देता हूँ, ये इमेज वाला है, मेटा है,
लिंक है और इनपुट है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे से टैग्स होते हैं जो कि सिर्फ स्टार्टिंग टैग ही होता है उनका, इनको कहा जाता है वॉइड एलिमेंट्स। अगर कहीं पर क्वेश्चन आए कि ऐसे एचटीएमएल टैग्स को क्या कहा जाता है जिनका सिर्फ स्टार्टिंग टैग ही होता है और लास्ट होता ही नहीं है, तो उनको वॉइड एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। और कुछ कीवर्ड्स, कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनका नाम अगर तुम्हें इमेज इंसर्ट करनी है तो इमेज ही टैग है उसका, और वीडियो इंसर्ट करनी है तो वीडियो ही टैग है उसका, ऑडियो इंसर्ट करने के लिए ऑडियो है, टेबल इंसर्ट करने के लिए टेबल है, ये कहा गया है यहाँ पर, और इनके यहाँ पर टैग भी दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखो ये एलिमेंट के नेम दिए हुए हैं, इनके टैग दिए हुए हैं, तो इस टाइप से इनको यूज कर सकते हो तुम। अब अगर हम एक टैग को, जैसे कि कोई टैग है ये तो वॉइड है, इनको छोड़ देते हैं, नहीं वॉइड ऊपर वाले हैं, हम यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग को तोड़ देते हैं। तो जो एक ये फर्स्ट वाला है, ये एक कॉमाली जो है पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम कोई भी कंटेंट इसके अंदर लिखते हैं, लाइक हमने कोई पैरा लिख दिया तो उसको पैराग्राफ की तरह, स्टोरी की तरह, न्यूज़पेपर की तरह वेब ब्राउज़र के अंदर दिखा देगा। ये सारी चीज़ें लिख लेना, इसको कैसे लिखते हैं और कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। देखो ओपनिंग टैग कंटेंट्स एलिमेंट्स नेम, ओपनिंग जो टैग होता है, फर्स्ट टैग होता है वो एलिमेंट का नाम यानी कि पैराग्राफ और इन एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर होता है। और क्लोजिंग टैग भी वैसे ही होता है, जस्ट यहाँ पे ओपन ब्रैकेट और एलिमेंट नेम के बीच में फास्ट फॉरवर्ड, यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड स्लैश होता है, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं इसके बीच में, जो कि इसका लास्ट टैग बन जाता है और ये जो है इसका स्टार्टिंग टैग है। अब इसका जो सिंटेक्स है वो कंप्लीट कैसे लिखा जाएगा, जो स्टेटमेंट है एचटीएमएल की, यहाँ पे फर्स्ट टैग है और यहाँ पर लास्ट टैग है, ये जो बीच में यहाँ पे डाटा दिया हुआ है ये है आपका कंटेंट जो कि आप यूजर को दिखाना चाहते हो, ये जो कंप्लीट है, ये जब वेब ब्राउजर इसको एग्जीक्यूट करेगा तो सिर्फ यूजर को ये लाइन दिखेगी, दो टैग नहीं दिखेंगे, ठीक है। वापस आ जाते हैं ग्रीन कलर पर, ओके सो हाँ यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर तुम्हें एक एग्जांपल मिलेगा, एग्जांपल के अंदर ये सारी चीजें दी गई हैं, ये डॉक टाइप दिया गया है, ये क्या चीज है, ठीक है, करता क्या है, इसका काम ये है कि आपका पेज जो है किस टाइप का है, उसका टाइप क्या है, डॉक टाइप क्या है, और ये जो ना एक निशानी है कि आप जो है एचटीएमएल 5 का, मतलब जो लैंग्वेज एचटीएमएल 5 यूज कर रहे हो, ठीक है। और इस सारी चीज को अब इग्नोर करते हैं, डायरेक्टली हम जो है ना अपने उसके अंदर चलते हैं, कहाँ पर प्रैक्टिकल करते हैं, यहाँ पर उससे पहले मैं थोड़ी चीजें समझा देता हूँ कि लाइक यहीं पर, ओके चलो हम प्रैक्टिकल के अंदर चलते हैं, मैं तुम्हें वहीं पर सिखा रहा हूँ कि कौन सी चीज कैसे वर्क करती है। अब सबसे पहले तुम्हें अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है, और यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ, पिक्चर्स में चलते हैं, हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ प्रैक्टिस फॉर एचटीएमएल 5 और मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। एंटर करने के बाद जस्ट आपको करना ही है, चलिए बैक आ जाते हैं और अपने जो वीएस कोड इंस्टॉल करना है। देखो मैं वीएस कोड बेस्ट कोड एडिटर सजेस्ट करता हूँ तुम्हें कि कोड कहाँ पर लिखना है, ठीक है, कोड आपको जस्ट गूगल ओपन करना है, यहाँ पर आपको लिखना है वीएस कोड एंड देन एंटर। अब जैसे रिजल्ट आएगा सबसे पहले पर क्लिक कर लेना, ये जो माइक्रोसॉफ्ट का डेवलप है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कोई भी चैलेंज तुम्हें इसके लिए पे नहीं करने पड़ेंगे। आई थिंक मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो गई, उसके लिए माफी चाहूंगा, बार बार मैं ऐसे बोलना शुरू कर देता हूँ बड़ी स्पीड में। जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है डाउनलोड फॉर फ्री, और मुझे पता थोड़ा सा लेक्चर पक्का हो रहा है तो थोड़ी बहुत मस्ती जरूरी है यार, और जिस तुम्हें यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, और इंस्टॉलेशन काफी ज्यादा सिंपल है, जस्ट उसको इंस्टॉल करते रहना और डाउन डाउन पर जितने भी टिक मार्क आएंगे उन सबको टिक कर लेना और इसको इंस्टॉल कर देना, वेरी सिंपल, ठीक है। जस्ट उसको इंस्टॉल कर लोगे तो कुछ स्टेप से ही ओपन होगा, लाइक यहाँ पर जाना है और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ वीएस कोड, जी हमारा रहा क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम के अंदर, और एक सेकंड रुको मैं जरा यहाँ पे क्लोज फोल्डर करता हूँ। अब जो तुम इसको फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो कुछ ऐसा होगा ये, और एक यहाँ पर वेलकम का इंटरफेस भी होगा, उसको यहाँ पर टैब की तरह आता है उसको कट कर देना। अब इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ थोड़ा छोटा सा, और यहाँ पे देखो ये रहा हमारा एचटीएमएल, यहाँ पे प्रैक्टिस वाला जो फोल्डर है इसको यहाँ पे ड्रॉप कर लेना है, ठीक है। एक फोल्डर बनाना, उसको तुम इसके अंदर ड्रॉप कराना है, मतलब वीएस कोड के अंदर ड्रॉप करा देना, ठीक है। अब यहाँ पे फोल्डर का नाम आ चुका है, तो मतलब जो तुम्हारा फोल्डर इसके अंदर ओपन हो चुका है, या फिर आप ओपन यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना, ओपन फोल्डर क्लिक करना, और जहाँ पे हमारे पिक्चर्स के अंदर एचटीएमएल 5 और सिलेक्ट फोल्डर, ठीक है। अभी भी इस टाइप से भी कर सकते हो अगर वहां से नहीं होता है तो। अब देखो यहाँ पे कुछ आइकन्स दिए हुए हैं, ये है आप नई फाइल क्रिएट करने के लिए, और ये दूसरा है इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करने के लिए, और ये जो है इसको रिफ्रेश करने के लिए, और ये जो है माइनस करने के लिए कि यहाँ पे ऐसे ये कोलैप्स हुआ इतनी सारी फाइल खुली हुई उनको ऐसे बंद करने के लिए जो लास्ट वाला है। अब यहाँ पे तुम्हें इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे क्लिक करना, मतलब ये जो फाइल है न्यू फाइल, इसका हम यहाँ पे नाम देते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, जो लास्ट में नाम दिया है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, जो डॉट एचटीएमएल है वो इसका एक्सटेंशन दिया है। अगर हम यहाँ पे एचटीएमबी लिख देंगे, ये एचटीएमएल 5 की पहचान है, एचटीएमएल 5 के अंदर ये दोनों जो एक्सटेंशन है वो सपोर्ट करता है एज एचटीएमएल, ठीक। एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद यहाँ पे टैब की तरफ की फाइल ओपन हो जाएगी, अगर नहीं होती तो यहाँ पे जस्ट डबल क्लिक करना
और यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है शिफ्ट के साथ एक दबाना कीबोर्ड में, ये वाला ऊपर एक जो ऊपर वाली साइड आता है ठीक है, ये वाला प्रेस करना, और जब ये ऑप्शन आता है तो तुम्हें टैब प्रेस करना है। जैसे तुम टैब प्रेस करोगे, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, टैब प्रेस करोगे तुम्हें एक एचटीएमएल की बॉडी टेम्पलेट मिल जाएगी, मतलब बस तुम्हें यहाँ से जस्ट अपना कंटेंट छापना है जो कि बॉडी के अंदर लिखना है। अभी देखो ये तो बता दी कि यहाँ पे टाइप बताता है, अब ये जो चीज यहाँ पे लिख रहे हैं एचटीएमएल लैंग्वेज ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इतना सा, ये जो फर्स्ट टैग के अंदर लगा हुआ है, इस कंप्लीट को यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको कहते हैं एचटीएमएल के एट्रीब्यूट, जो भी फर्स्ट टैग के अंदर लगे होते हैं वो एट्रीब्यूट कहलाते हैं। हम पीडीएफ के अंदर देख लेते हैं कि ये चीज जो है किस लिए लगी हुई है ठीक है, यहाँ पर मेटा है और मेटा के अंदर यहाँ पे देखो प्राइमरी लैंग्वेज ये लिखा हुआ है, द लैंग एट्रीब्यूट डिक्लेयर्स द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ द पेज यूजिंग ISO कोड्स ठीक है, ये यहाँ पे EN जो है वो इंग्लिश के लिए स्टैंड किया गया है। ये जो है लैंग्वेज एट्रीब्यूट हमारे पेज की जो लैंग्वेज है, हमारा पेज कौन सी लैंग्वेज में है, हिंदी में है, रशिया में, इंग्लिश में है, वो डिक्लेयर करता है पेज को। और ये क्यों होता है, जब हमारा पेज गूगल इसको आउटपुट देता है किसी यूजर को तो उसके लिए आसानी हो जाती है कि ये पेज इंग्लैंड में, इंडिया में, जहाँ जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज यूज होती है वहाँ पर इजिली बंदे पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसकी चाइनीज वगैरह यहाँ पे चाइनीज लिख देता हूँ तो ये पेज चाइनीज वाली लैंग्वेज में भी एक्जीक्यूट हो सकता है ठीक है। और ये जो कैरेक्टर सेट लगा हुआ है इसके लिए मेरे पास एक अच्छा सा एग्जांपल है, ये जो मेटा का टैग है ये वॉइड एलिमेंट है, यहाँ पर कैरेक्टर सेट का एट्रीब्यूट लगा है जिसकी वैल्यू दी है UTF-8। UTF एक कैरेक्टर सेट का नाम है और ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर 4 सेट, ये है हमारा इसका एट्रीब्यूट। एक काम क्या कर रहा है इसके अंदर, देखो तुम अपने एंड्रॉइड फोन लेना और एक iOS फोन लेना, दोनों के अंदर व्हाट्सएप ओपन करो, व्हाट्सएप ओपन करने के बाद उसके अंदर इमोजेस ओपन करो, अब वहां पर देखो कि इमोजेस तो है लेकिन दोनों का जो लुक है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो उसी की तरह जैसे ही वेबसाइट पर सिंबल्स यूज करते हैं छोटे छोटे वर्ड्स वगैरह, उनका जो कैरेक्टर सेट होता है वो किस टाइप का होता है, तो दोनों में iOS में अलग है और एंड्रॉइड में अलग है। लेकिन वेबसाइट के लिए जो HTML 5 अभी चल रही है उसके लिए हम जो UTF 8 का इस्तेमाल करेंगे ठीक है। यहाँ पे दूसरा जो है ये मेटा टैग लगा हुआ है जी वाला ठीक है, VS कोड यूज कर रहे हैं और ये सारे अपने आप आते हैं तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर का बड़ा भाई या बड़ी बहन पीछे आती है पूछ लेगी तो ये क्या कर रहा है, चल पहली लाइन का मतलब पढ़ा। तो देखो यहाँ पर तुम्हें करना ये है कि ये जो मेटा टैग है दूसरे वाला मेटा टैग, यहाँ पे इसका नेम दिया है V-port। V-port की माइंड सुन के आपके माइंड में क्या आता है, V-port मतलब जो कंप्लीट यहाँ पे मुझे इस मतलब अपनी वेबसाइट है, एक मैं पेज ओपन कर लेता हूँ, ये जो कंप्लीट वी यहाँ से लेकर ये वी दिख रहा है ठीक है, ये कैसा होना चाहिए वो मेटा यहाँ पर बताता है कि जो उसके अंदर कंटेंट है ना उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी विड्थ इक्वल होनी चाहिए जितनी डिवाइस की विड्थ है, डिवाइस की विड्थ ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ कि जो कंटेंट है ना, ये जो कंटेंट है इसकी विड्थ कितनी होती है जितनी मेरे डिवाइस की, अगर मेरे डिवाइस की विड्थ इतनी है तो इतनी होनी चाहिए, अगर इतनी है तो इतनी होनी चाहिए। तो ये चीज रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, रिस्पॉन्सिव वो होता है जो डेटा को ऐसे कंप्रेस कर ले, जो कुछ वेबसाइट होती है गूगल डेस्कटॉप पर भी ओपन होता है और फोन पर भी ओपन होता है। रिस्पॉन्सिव वर्ड भूल जाओ कि मैंने कुछ ऐसा बोला। और जो तीसरी टैग है यहाँ पर देखो इनिशियल स्केल वैल्यू, इनिशियल स्केल इसलिए होता है कि आपका जो पेज है उसका स्केल कितना हो, स्केल मतलब वो कितना बड़ा दिखना चाहिए कितना छोटा दिखना चाहिए। तो जस्ट यहाँ पे इन चीज़ों को ऐसे ही रहने देना, ये यूज की नहीं आई है ऑटोमेटिकली, तो इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ठीक है। अब हमारे इसके अंदर चलते हैं, देखो यहाँ पर एक सेकेंड ये वाली फाइल को कट कर देता हूँ और ये हमारी HTML फाइल है और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिया है, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि तुम लोग अच्छे से देख पाओ और मैं भी अच्छे से देख पाऊँ। सो यहाँ पे ये चीज़ है और ये टाइटल लिखा हुआ है, हम इसको लिख लेते हैं टाइटल। देखो यहाँ पर भी टाइटल दिया हुआ है, इस टाइटल का काम क्या है, अगर मैं यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उसको सेव कर देते हैं एज इट इज और हमारे फोल्डर के अंदर चलते हैं, यहाँ पर हमारा फोल्डर है, ये हमारा फोल्डर है, इसके अंदर हम जो है इसको इंडेक्स फाइल को ओपन करते हैं। अब जैसे हम ओपन करते हैं यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, अच्छा नहीं लगा, जबकि हम गूगल ओपन करते हैं तो यहाँ पे गूगल लिखा हुआ था लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर भाई हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा है, ये कौन सी बात होगी। तो हमें देखो जस्ट यहाँ पे टाइटल पे आना है, टाइटल के ऊपर यहाँ पे लिखना है आपको जस्ट HTML 5 ठीक है और इसको सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद जैसे हम यहाँ पे ब्राउजर के अंदर जाते हैं जहाँ पे हमारा पेज ओपन है, इसको रिफ्रेश करते हैं एंड बूम देखो यहाँ पे तुम्हारा नाम आ चुका है। बड़ी सिंपल सी चीज है, इतना कोई हार्ड वर्क नहीं है, जस्ट हो गया। और उसके बाद वापस से इसके अंदर चलते हैं, हो गया कंप्लीट। और उसके बाद H1 दिया हुआ है और P दिया हुआ है। देखो अब एक कंपनी होती है, एक कंपनी के अंदर एक बड़ा CEO होता है, फिर उसके नीचे एक मैनेजर होता है, तो उस मैनेजर ने भी एक और मैनेजर रखा होता है, तो उसके नीचे एक और मैनेजर होता है, लेकिन बड़ा सबसे एक होता है और जो सबसे नीचे होते हैं वो एम्प्लॉइज होते हैं, जो वर्कर होते हैं। अब VS कोड में तुम्हें क्यों सजेस्ट किया है, VS कोड में कैसी कौन सी खास बात है, VS कोड बिगिनर्स के लिए ना बहुत बेस्ट है, अगर आप एक अच्छा और तो एडवांस जो प्रोजेक्ट बनाते हैं बड़े बड़े उनके लिए बेस्ट है। रीजन क्या है
कि तुम अगर कोई गलती करते हो वो भी तुम्हें यहाँ पे इंडिकेट करता है। मैंने एचएमएल लिखा है ना, इसके बाद मैंने वो जो थे एंगल ब्रैकेट वो कहीं नहीं लगा, जस्ट एंटर प्रेस करना है, और एंटर प्रेस करते ही इसने मुझे कंप्लीट यहाँ पर जो एक इसका स्टेटमेंट था वो दे दिया। एच वन का मुझे इसने फर्स्ट टैग भी दे दिया और लास्ट टैग भी दे दिया। अभी कैसे काम करते हैं, ये एच वन जो है इसकी सबसे बड़ी हेडिंग है। एच वन का मतलब है हेडिंग नंबर वन, जो कि सबसे टॉप हेडिंग है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तुम लोग अपना नाम भी लिख सकते हो, और मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, चार हो गए, पाँच छः, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको नंबर दो कर लेता हूँ। ये जो एच वन है, एच टू, एच थ्री, एच फाइव, ये कहाँ तक जा सकते हैं, ये सिक्स तक जा सकते हैं। इसके पास सिक्स लिमिट होती हैं, जो हमारे पास HTML5 चल रही है इसके अंदर जो है तुम्हारे पास हेडिंग सिक्स हो सकती है, एक बार में छह हेडिंग तुम लगा सकते हो। और जो पेज रिफ्रेश करते हैं, पेज रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर आपका सीईओ है, उसके नीचे एक मैनेजर है। अब जैसे कि जो H1 लिखी हुई है इसके ऊपर तुम यहाँ पर सेंटर में करके अपनी वेबसाइट का नाम लिख सकते हो बड़े बड़े स्वर्ण अक्षरों में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी छोटी सी हेडिंग अपनी बहन का नाम लिख लो, भाई का नाम लिख लो, और वीडियो सबसे तुम्हारा जो किसी का नाम लिख सकते हो, एक्चुअली स्टोरी लिख सकते हो यहाँ पर, तुम्हें इतना गिराना नहीं चाहिए किसी को, तो यहाँ पर तुम इसके अंदर स्टोरी लिख सकते हो। लेकिन स्टोरी के लिए हम हेडिंग यूज करेंगे, स्टोरी तो बड़ी होती है, हेडिंग जो है तीन चार वर्ड की हो सकती है मैक्सिमम, और अगर हमें स्टोरी ही लिखनी है तो उसके लिए हम यहाँ पर इस तरीके का एक टैग यूज होता है, पी लिखेंगे। देखो यहाँ पे तुम्हें ये एंगल ब्रैकेट लगाना है, पी लिखना है और फिर क्लोज कर देना है, तो यहाँ पे तुम्हें जो क्लोजिंग टैग है वो अपने आप मिल जाएगा। अब तुम्हें लिखना है कि रैंडम टैग लिखना है, तो क्या लिखो, तुम्हें यहाँ पे लिखना है लॉरम, एल ओ आर ई एम, और कितने वर्ड्स चाहिए, तो मुझे 99 वर्ड्स चाहिए, और फिर मैं एंटर कर दूंगा। अभी कुछ स्टेप से आ गया यार, ये इधर जा रही है, इतनी लंबी लाइन आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो तुम्हें अपने कीबोर्ड के अंदर एल्ट प्लस जेड करना है, ठीक है, एल्ट और जेड प्रेस करना है, फिर इसको सेव कर देना। मैंने कंट्रोल एस से इसको सेव कर दिया है, और वापस से चलते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, पेज रिफ्रेश करते हैं। अब देखो ये जो पैराग्राफ की तुम्हें स्टोरी आ चुकी है, न्यूज पेपर की तरह तुमने कंप्लीट चीज सीख ली है। अब थोड़ा इसके अंदर मैं चलता हूँ, यहाँ पर देखो HTML यहाँ से स्टार्ट होती है, एक सेकंड, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर खत्म होती है, और जो यूजर को विजिबल पार्ट होता है वो सिर्फ इतना होता है जो इस बॉडी टैग के अंदर होता है, इस बॉडी के अंदर होता है, वही टैग जो है, वही मतलब जो डाटा होता है, वो कंटेंट होता है, वही यूजर को विजिबल होता है। अगर ये जो कहा कि गूगल का पेज है, ये जो इतना भी एरिया मुझे यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल जितना भी है टोटल दिखा हुआ है, इनके सारे एलिमेंट है, कलर वगैरह, वो बॉडी के अंदर ही लिखे हुए हैं, ठीक है, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे, इसके अंदर नहीं लिखा हुआ, जितना भी एलिमेंट है वो सारे यहाँ पर विजिबल होगा। और अब चलते हैं पीडीएफ के अंदर, ये हमारे पीडीएफ है, इसको जो मॉक कर लेते हैं। बाकी ये जो टैग है इनकी सारी की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, जो कि मैंने तुम्हें एक एक करके प्रैक्टिकल के अंदर बता दिया, ठीक है। बाकी जो है आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी अगर मुझसे कोई छोटी मोटी चीज़ें रह गई हो, जो मुझसे मिस हो गई हो, और पहली बार जो है मैं अपना फेस कैम करके वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई हो, तो यार उसको इग्नोर कर देना, टाइम के साथ साथ हर चीज़ इंप्रूवमेंट हो जाती है। एंड आई होप कि मैं जो चीज़ें तुम्हें सिखा रहा हूँ इसके साथ साथ तुम इसमें थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट कर लो। और बाकी तुम्हें ये सेशन जो था कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तुम लोग कमेंट करते हो तो दिल खुश होता है, मेरा मन होता है कि मैं तुमको और ज़्यादा सिखाऊँ, लेकिन कमेंट्स नहीं आते तो मन थोड़ा निराश होता है यार, क्या मैंने इतना अच्छे से पढ़ा लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया, ठीक है। सो अगर तुम्हें कोई मुझे इधर उधर फॉलो करना है तो इधर भटकने की जरूरत नहीं, सारे लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर फिर मुझे कोई चीज मिस हुई तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना यार, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।